ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਜੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲਿਆ ਰਵਨੀਤ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਕਰੋਨੀ ਪਾਸਤਾ। ਅੱਛਾ ਵਾਈਟ ਪਾਸਤਾ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਮੈਕਰੋਨੀ ਪਾਸਤਾ व्हाइट सॉस मैक्रोनी पास्ता बना रही है रवनीत ते आज देख दे मैं भी नहीं कभी बनाया मैं भी तो सीख रही हूं यहां। चलो ये आ जाओ ये अपन एक पहला पानी गरम रखे उन गरम होन देवांगे मतलब पूरा जो वो उबाला नहीं होता जब तक पानी आप बॉईल करेंगे पूरा मतलब जब तक पूरा बॉईल नहीं होता उदो तक आप ओदे विच पावेंगे 1 चम्मच व्हाइट सॉल्ट मैक्रोनी पास्ता अपना आपस च चिपके ना ते इस करके 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल पावांगे जे आप ठंडे पानी पा देंगे फिर भी जुड़ जूगी मतलब बना सकते घट व रवनीत ने अजे तक पास्ता उबलने वास्ते रखा टाइम लगूगा अजे तक 5 to 7 मिनट तक उबलने वास्ते जो आप देख लांगे जो सॉफ्ट हो गए फिर आप पोनी नाल पुन लांगे फिर अगला स्टेप जरा की करना रवनीत आप करूगी मैक्रोनी पास्ता उबल रहा ओना टाइम अपना ग्रेवी बनाने रवनीत का मत्था कटा जाता जो कि लंबी है लोड़ तो ज्यादा जे सिर उपरों सही कर दे थलो गैस कटा जाता जे गैस नू सही कर दे तो उपर का सिर कटा जाता इस करके वीडियो इस तरह ही बनूगी। यस हुण रवनीत नीवी हो गई है रवनीत ने नीवी हुण आपां इच देसी घ्यो पावांगे। हां तुसी थोड़े कोल बटर है तुसी बटर भी पा सकदे हो ओदे नाल भी टेस्ट वधिया आउंदा है पर रिफाइंड ऑयल ना पायो देसी घ्यो ना ज्यादा टेस्ट वधिया बनदा क्योंकि आपां मलाई भी पावांगे दूध भी पावांगे तो देसी घ्यो दा जिवें कंबीनेशन भी वधिया आपस
ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਪਾ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੇ ਦੋ ਟਮਾਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਮਾਟਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਗੀ ਮਸਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਗੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਪੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਗੀ ਮਸਾਲਾ ਦਾ ਪਾਊਚ ਪਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀ ਖੜੇ ਜੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਜ ਦਾ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਕਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੱਚ ਜੇ ਗਿਆ ਮਸਾਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਤਾ, ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਇਹਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਇਧਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਧਰ ਮਕਰੋਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ।
इस तरह थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है इन बंद कर देना इन दसो हम की करना है ना दी इन स्टेन करके ठंडे ठंडे पानी उतो ठंडा पानी चला दो फिर चिपकू पानी इस तरह ही जरा है आप पौने के कड लें सारे ने पौनी हूं कड लिया तो आप उपर जरा ठंडा पानी पा देंगे हां जी हूं आप ठंडा पानी पा देंगे क्योंकि आपस च चिपके ना है क्योंकि गर्म जड़ी है मैकरोनी के पास आपस चिपक जाता है इस करके ठंडा पानी पाना बहुत जरूरी है ते बिलकुल चिपकदा नहीं है जो आप पाया घ्यो ए मैदा पावे रवनीत ने तीन चमच घ्यो लिया दो चमच मैदा पाया ते दो चमच जरा मैदा पाया इन बस हिला दो घ्यो मैदे नो मिक्स कर लेने ते थोड़ा जा फ्राई कर लेने घट किते हुए फ्लेम तीन चार चमच ही घ्यो लिया बस इस तरह थोड़ा जा घ्यो मैदे नू फ्राई कर लेने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेने हूं ए दुध पावांगे एक अद्धा एक कप है अच्छा एक कप दुध पाता इन्हें थोड़ा दुध पावे कप थोड़ा जा कप तो वध पाया वन एंड हाफ थोड़ा स्लो फ्लेम कर दो बीट कर दी मैश कर दी यानी कि जी गंढा नहीं बन गई पूरी तरह मिक्स कर लेना दुध के इस तरह गंढा नहीं रहनी चाहिए गंढा थोड़ी आपे खुल जाएगी जो है तुम ये ही मलाई भी पा दो फिर कट्ठे ही सारा हो जाएगा बिच ही मलाई ऐड कर दूगी रनीत ने पांच छे चम्मच जड़े मैं मलाई दे पाते हैं बस हमें ना पूरा कर लो अब तो रुनी इस तरह मैश कर रही है बिल्कुल गंढ नहीं रहनी चाहिए अपनी जड़ी मजे की एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना आप वाइट किन्ना चिर नु पकाना बस जिस लगे भी थोड़ी कंसिस्टेंसी पतली होगी मतलब थोड़ी गाढ़ी होगी सारी अच्छा जदों ये थोड़ा जा गाढ़ा हो जूगा बस ओदा फिर पकाने ये थोड़ा जा लगूगा तो मुझे चिपकी है अंदर आपस से बस जो लगन लगे थोड़ा चुपन दे लग गया बस एक सॉस जी वांगू ए थोड़े थिक होना चाहिए अपने पास्ता के बिलकुल मिक्स हो जाना चाहिए थोड़ा जो चिपकन भी लग जाए हूं आप बिलकुल रेडी हो गया जिड़िया सब्जियां कटिया सीगा भुनिया सी ना जिड़ी आप सब्जियां फ्राई कीतिया सीगा वह सारिया सॉस दे विच ऐड कर देनी है वाइट जिड़ी आप सॉस बनाई है दुध मलाई ते आप मैदा ते घ्यो पा के सॉस तैयार की है मिक्स करना
मैं थोड़ी लाल मिर्च भी पाई सी ता थोड़ा रेड हो गया मीठा ये पूरा वाइट होना सी क्योंकि मैनू सानू बला वो नहीं पसंद मिठा मिठा मतलब जिवें रेस्टोरेंट मिलदा जे तुसी रेड से बिल्कुल रेस्टोरेंट दा खाना फिर तुसी थोड़ी कट पानी है लाल मिर्च अगर जवे नहीं पानी कला नू नहीं पाना पूरा इनू मिक्स करके बस फिर सारा कुछ तैयार है बिल्कुल एंड वाला जिहड़ा आपां बनाया इनू इहदे सॉस दे विच पाउणा बस ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਸਤਾ ਦੇ ਮੈਕਰੋਨੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸੌਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੌਸ ਦੀ ਦੂਜਾ ਲੱਕੜਾ ਲੱਗ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ गैस नू बंद कर दो अपना बन गया बस मैंने उपर मिक्स ही करना कितना वधिया अपना वाइट सॉस जिहड़ा है मैकरोनी पास्ता बन के तैयार हो चुके बिल्कुल तुसी भी आके खा लो हुण रवनीत प्लेटिंग करूगी जे तुसी इहदे ते मेयोनीज़ पाउणी है ना तां तुसी इहदे ते मेयोनीज़ भी पा सकदे जे हुण आपां सर्व करन लगे हैं रवनीत ने उपर ए मेयोनीज पाती है देखो किन्ना सोहना है देखने च इन्ना सोहना है खाने च भी बहुत टेस्टी होगा ते बिलकुल बन के रेडी है